अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं कौन सा डिज़ाइन जो है कट पर टॉप इंडेक्स के साथ। सो आइए चलते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे बुकरम का पीस, जिसमें हम कट पर की जो है मेजरमेंट और मार्किंग करेंगे। तो हमने जो है पाँची के हिसाब से 17 इंचज़ की इसकी जो है वो चौड़ाई ले ली है। जो पाँची की हमारी चौड़ाई गोलाई होगी वो 17 इंचज़ है। सो अब हम जो है पाँची का भी नाप ले लेते हैं, ताकि आपका जो है वो तसल्ली हो जाए। तो ये 17 इंचज़ ही है। सो हमने जो है हम इसको मार्क कर दिया। अब हम जो है चौड़ाई में इसको तकरीबन 1.5 इंच देंगे अभी फिर वक्त। सो अब हम जो है सब जगह से 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसकी एक सीधी सी लाइन बना देंगे। तो हमारी लाइनिंग हो गई है। अब जो है हम 1 इंच की लंबाई पे जो है दोबारा निशान लगाएंगे। पर हमने 1.5 लगाया था, 1 पे हम लगाएंगे और जो है हम इसकी लाइन बना देंगे। सो गाइस, लाइन हमने बना दी। हम जो कट पर बनाया जाए वो वी शेप में है। सो हम जो है 1/1 इंच के गैप से जो है वापस मार्क करेंगे ऊपर की तरफ। तो ये मैं 1/1 इंच की गैप से मार्क कर रही हूँ, तो आप ही करते जाएं। कर लिया, हमको वी बनाना है। तो ऊपर से मैं 1 इंच रखा है और वी के बीच में जो है हम नीचे की तरफ 1/2 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। हमने 1/2 इंच पे मार्क किया होगा, उसकी मदद से हम 1/1 इंच पे नीचे भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम मार्क कर लेते हैं। जब आप मार्क करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये मैंने क्यों इस तरह करवाया है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको वीडियो पूरी देखना बहुत ज़रूरी है। समझ गए होंगे कि हमने ट्राइंगल बनाने के लिए इस तरह से मार्क किया था। सो हम जो है वो जो 1/2 इंच हमने छोड़ा था नीचे, 1.5 इंच लिया था, उसको हमने वापस 1 इंच पे करके लाइन बना ली। और जो है हमारी नीचे की जो हमने मार्किंग की थी 1/1 इंच पे, उस पर हमने डार्क कर लिया उसको और इस तरह से हमने वी में शेप दे दिया इसको। हमने जो हमारी मेजरमेंट थी, मार्किंग थी, उसको हमने बुकरम से लेता करके जो है वो कटिंग कर लिया। ये देखिए, हमने वी शेप में इसको कटिंग कर लिया। अब इस तरह की मैं दूसरी भी बना लूँगी। सो गाइस, ये दूसरी भी बन चुकी है। अब जो हम इसकी पेस्टिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम शलवार का जो कपड़ा होगा, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा होगा, उसको हम 2 इंच करेंगे चौड़ाई में, वो लेंथ में, और लंबाई में हम लेंगे जितनी हमारी कटपुट की चौड़ाई है उतना ही। सो हमें जो है इसको पेस्ट कर लेना है। सो गाइस, अब मैं पेस्ट करने लगी हूँ। सीधे पाइची की तरफ, पाइची का जो हिस्सा वो सीधा हो, उसको जो है हम ये डिज़ाइन के ऊपर रख के जो है नीचे की सी की तरफ इस तरह से वी में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब जो है हम इसकी जो है नीचे से एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसको कट कर लेंगे, ताकि जो है हमको इसको फोल्ड आउट करने में आसानी रहे। और उसके बाद हम इसकी जो है सिलाई के साइड पे थोड़े से छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से प्रोमिनेंट हो जाए। जी, मैंने जो है इसको कट कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर छोटे छोटे से कट लगा रही हूँ। देन उसके बाद जो है हम इसको फोल्ड आउट करेंगे। तो गाइस, ये देखिए जी, मैं इसको फोल्ड आउट कर रही हूँ। जब आप इसको फोल्ड आउट कर लेंगे, उसके बाद किसी बारीक चीज़ की मदद से इसकी नोक निकालेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे इसको, क्योंकि उंगली हमारी जो है वो इस तरह से जो है सफाई से नहीं कर सकेगी। हमें कोई ऐसी सेफ्टी पिन या कुछ भी आप ले लें, जिससे आपको जो है इजीली इसकी नोक बनाने में आसानी रहे। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती और सफाई के साथ जो है हमने अपने कटवर्क रेडी कर लिए हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं इसी किनारे की सिलाई लगाने के लिए सिलाई मशीन की तरफ। तो चलिए, ये
शेप से भी आप देख लें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आपको मस्त ट्राई कीजिएगा। सो गाइस हम जो है किनारे की सिलाई लगा लेंगे। अब चूँकि अब जो हम एप्लिक जो है अप्लाई करने लगे हैं, जो मेरे शलवार कमीज़ का कपड़ा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पजामे का जो डिज़ाइन है वो इतना ज़्यादा नुमाया नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे कमीज़ की स्टफ से जो है हम एप्लिक बना लें। तो गाइस मैं एप्लिक लगाने लगी हूँ। मैंने जो है एक लंबी सी पट्टी ली थी, उसको मैंने अंदर से फोल्ड आउट करके किनारे पर दोनों तरफ मैं सिलाई लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी डिज़ाइन जो है खूबसूरत लगने स्टार्ट हो गई है। तो आपको भी कभी ऐसा लगे कि आपका जो है वो डिज़ाइन नुमाया नहीं हो रहा या आपको बेस्ट नहीं लग रहा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कोई भी आपकी छिपा कमीज़ का जो कपड़ा बचा हो आप इस तरह से इस पर एप्लिक लगा सकते हैं। ये टिप थी इस वीडियो की। तो मैं सेकंड जो है मेरी जो एप्लिक है वो अप्लाई करने लगी हूँ। तो मैंने इसमें कोई मेजरमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं रखा था, जैसे मेरे पास पट्टियाँ थी मैंने इसी तरह से इसको अप्लाई कर दिया था। आप इस तरह कर लें, आप चाहे तो एक जैसे साइज़ में कर लें, जिस तरह भी चाहे खूबसूरत लगना चाहिए हमारा डिज़ाइन। सो गाइस इसको मैं रेडी कर लिया है। पिनटैक्स के बारे तो सबसे पहले जो हम पिनटैक्स देखें वो एप्लिक से ऊपर एक इंच का जगह छोड़ के हम जो है उसको प्रेस करके किनारी बना लेंगे। और पिनटैक्स को जो है हम सीधे तरफ लेंगे, ये आपको अच्छी तरह पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। उसकी किनारी बना लेंगे और एक पाँव की मदद से, मतलब जो सिलाई मशीन का एक पाँव होता है उसकी गैप से हम उसकी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जी मैंने प्रेस करके किनारी बना ली है, अब मैंने इसको सी लिया है। ये देखिए जी। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पिनटैक्स चाहते हैं आपका खूबसूरत लगे, आपको बिल्कुल क्लियर और सफाई से इसकी फिनिशिंग आए, तो आप उसको पीछे की तरफ से प्रेस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी पिनटैक्स में। सो गाइस अब हम जो है सेकेंड पिनटैक्स बनाने जाएंगे। फर्स्ट पिनटैक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम इसको प्रेस कर रहे हैं ताकि हमारी खूबसूरती पजामे की जो है अच्छे से उभर के आ जाए। सो गाइस चलते हैं दूसरे पिनटैक्स की तरफ। पिनटैक्स जो है वो हमने फर्स्ट पिनटैक्स से पौने इंच की गैप पे रखा है, उससे पौना इंच है। अब हम इसकी जो है सब जगह से पौना पौना इंच इसको हम इक्वल कर लेंगे। देन उसके बाद जो हम दोबारा इसको प्रेस करेंगे और जो है इसकी किनारी बना लेंगे आवाज़ी, ताकि हमें जो है सिलाई करने में आसानी रहे और कहीं से भी ऊपर नीचे हमारा कपड़ा ना हो। सो गाइस प्रेस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलाई मशीन पर जब हम सीने बैठते हैं तो प्रेस हमारी ओपन होनी चाहिए एनी टाइम। तो एक सेकेंड जो पिनटैक्स है उसकी हमने सिलाई जो है लगा ली है। अब जब इसको पीछे से प्रेस करूँगी, पहले ऊपर से प्रेस कर लेते हैं फिर मैं पीछे से भी प्रेस करूँगी ताकि जो हमारी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। सो गाइस इसके बाद जो हमारा पजामा रेडी हो जाएगा, तो देखते हैं इसका फाइनल लुक। ओके गाइस तो इसका फाइनल लुक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जो है आप जब इसको पहनेंगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करेगा। सो गाइस इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिर अमान अल्लाह हाफिज़।